नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक गांव के रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा करने पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। कलान थाने में प्रार्थना पत्र देकर मदद की लगाई गुहार। मिली जानकारी के मुताबिक मामला कलान क्षेत्र के गांव बेहटी मजरा छितपुरी का है, जहां ग्रामीणों ने थाने में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के प्राथमिक विद्यालय से लेकर गांव के मंदिर तक जाने का पूरा रास्ता है, जिस पर गांव के खुशीराम, छत्र, पप्पू, झंडुवा, बाबूराम आदि लोग सड़क पर जानवरों का गोबर व कूड़ा डाल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शुक्रवार को मनरेगा मजदूर सड़क डालने आए तो इन्होंने गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। वहीं थाना अध्यक्ष कलान दिलीप कुमार भदौरिया ने आश्वासन दिया है कि दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रवि यादव की रिपोर्ट। ग्राम सभा की सड़क है सर, और ये लोग डालने नहीं देते हैं और तमंचा बंदूक लेके आते हैं। ये लोग गोली मार कर मारें, गोली मार देंगे। सड़क डालने गए थे तो सड़क पर नहीं थे, ये देखो तमंचा और एक राइफल लेके पप्पू उनको लड़का खुशीराम दो ही आई है दौड़ करे। कौन रोक रहा है सड़क? खुशीराम उनको लड़का पप्पू और 5-10-12 लोग थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद है। जहां एक तरफ लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ दबंगों ने पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला लखनऊ के थाना ठाकुरगंज का सामने आया। मोबाइल में रिचार्ज कराने गए युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। युवक के सिर में गंभीर चोटें आईं। दबंगों ने युवक को बुरी तरह जख्मी कर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक को मेडिकल के लिए भेजा। यह घटना हरिनगर निगम सक्सेना बिल्डिंग चौकी आम्रपाली थाना ठाकुरगंज की बताई जा रही है, जबकि पीड़ित युवक को यहाँ तक नहीं पता कि वह कौन लोग थे जो उसको जख्मी कर चले गए और क्यों जितनी सख्ती पुलिस कमिश्नरेट अपराधियों पर कर रही है उतने ही अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ममता सिंह की रिपोर्ट। हम लोग आ रहे थे, रिचार्ज करवाया था, यहाँ सामान लेने लगे दुकान से, इतने में आके बस सामान लेके नीचे आके कार्यस्थल के रास्ते का रास्ता दिया। क्या नाम है आपका? सुधाकर सिंह नाम है मेरा। किसने मारा है आपको? बस यहाँ रुका, बस सामान लिया, पता नहीं किस बात से, किस वजह से हमारा ये समझ में नहीं आ रहा है सर। नाम जानते हो उनका? नाम सर मैं जानता भी नहीं लगे कौन है सर। आप कहाँ रहते हो? हम सर इधर रहते हैं नाले के उस पार, उधर नाले के पार। जी सर। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।